देसी बीज है ये, अच्छी पैदावार इसलिए देंगे क्योंकि हमारा सॉइल फर्टिलिटी पे ध्यान है, तो सॉइल फर्टिलिटी हुई तो देसी बीज भी ये जीएम बीजों से भी अच्छी पैदावार दे सकते हैं, हमारी ज़रूरत है सॉइल फर्टिलिटी की। तो हम लोगों ने ये देखिए ये देसी बीज मक्का है, ये साठिया बोल के गिना जाता है, मैंने झाबुआ से आदिवासी लोगों के पास से ये बीज लाया, इसके खाने में रोटी इतना इतनी टेस्टी है वो, और इतना फाइबर है इस रोटी में कि इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी है। इसी तरह से ये जो देसी तूर है, ये देसी तूर में खूबी यह है कि इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, मीठा टेस्ट है इसका दाल का। इस तरह से ये देसी बीजों की बुआई करते हैं। हम लोगों ने क्या किया, वो बीज डालने के लिए तीन लाइन पे मार्किंग नहीं की और इन पे तीन लाइन पे मार्किंग कर दी थी, तो दो लाइन में अब इसमें तुअर लगेगा, तीन लाइन हमने वो खाद की लगाई है ग्रीन मैन्यूरिंग की और तीन लाइन इसकी लगेगी, तो एक लाइन में दो लाइन में तुअर लगेगी, एक लाइन में मक्का मिलेगी, तो मक्के का भी उपज मिल गया, तुअर का भी उपज मिल गया ग्रीन मैन्यूरिंग से, वहाँ पर हरी खाद भी बन गई। अब डालते हुए आएंगे, कैसे डालते हैं वो दिखाएंगे। चार बीज डेढ़ डेढ़ फीट के अंतराल पे चार बीज डाल रहे हैं, तो पौध से पौध की दूरी ये डेढ़ फीट है, मक्का 6-6 इंच के ऊपर मक्का बो रहे हैं, यानी करीब 15 सेंटीमीटर पे एक एक बीज मक्के का लगा रहे हैं और तुअर डेढ़ डेढ़ फीट पे लगा रहे हैं। इस तरह से ये दो लाइनों की दूरी 4 फीट हो गई और दो लाइनों से वो लाइन की दूरी ये 8 फीट हो गई, यानी दो जो जॉइंट लाइन है उससे वो जॉइंट लाइन की दूरी 8 फीट है। इस तरह 8 फीट के बीच में हमने ग्रीन मैन्यूरिंग लिया है।